हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कम बजट में एक मल्टीमीटर लेना है, तो आज मैं आपको ऐसे दो मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा जो कम बजट में तो है ही और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और साथ ही इन दोनों मल्टीमीटर में से एक मल्टीमीटर की एक ऐसी बात आपको मैं बताऊंगा जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं एलईडी टीवी या मोबाइल रिपेयरिंग का तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो। बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको कम बजट में दो ऐसे मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं या एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में अगर आपका बजट कम है तो आप इन दोनों मल्टीमीटर में से कोई एक मल्टीमीटर ले सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे मल्टीमीटर मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सनशाइन का मल्टीमीटर है। इसकी फुल डिटेल मैं आपको आगे वीडियो बनाऊँगा, उसमें दूँगा। तो ये मल्टीमीटर करीबन 1200 से 1500 के आसपास मिल जाता है। इसके अलावा एक HTC का मल्टीमीटर आता है, ये वाला HTC, तो ये भी 1800 के से 2000 के करीब ये भी मिल जाता है। और जैसे आप ये मीटर देख सकते हैं, ये भी सनशाइन का है, ये भी 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में अगर बजट कम है तो आपको जो मैं ये दो मल्टीमीटर बता रहा हूँ तो इनमें से आप ले सकते हैं शुरुआत में। तो दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, पीला मल्टीमीटर, तो ये यूनिटी कंपनी का अधिकतर आता है, लेकिन आजकल तो बहुत सारी कंपनियां ये मल्टीमीटर जो है बेच रही हैं, तो अलग अलग कंपनियों के भी आजकल ये मार्केट में मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मल्टीमीटर, ये है हमारा मैस्टेक कंपनी का, मॉडल नंबर आप इसका देख सकते हैं 830L, ठीक है। ये जो पीला मल्टीमीटर है 150 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, और ये जो आप ग्रीन मल्टीमीटर देख रहे हैं, ग्रीन और ब्लैक मैस्टेक कंपनी का, तो ये आपको 550 से 600 रुपये के करीब मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मल्टीमीटर के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, वैसे तो इन दोनों मल्टीमीटर के फंक्शन सारे बिल्कुल सेम है, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है जो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो दोस्तों, जो फ़र्क है वो ये है कि कई बार हमसे एक मिस्टेक हो जाती है कि हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर छोड़ देते हैं और वहाँ से कोई वोल्टेज हम चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वोल्टेज हम लैपटॉप या मोबाइल की कर रहे हैं चेक, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल में होती है लो वोल्टेज, यानी कम वोल्टेज होती है, ज़्यादा हाई वोल्टेज इसमें नहीं होती है, तो आप जैसे ही किसी भी चीज़ का वोल्ट चेक कर रहे हैं या बैटरी का चेक कर रहे हैं वोल्टेज या किसी कंपोनेंट पर वोल्टेज चेक कर रहे हैं और मल्टीमीटर आपने कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर रखा है, तो क्या होगा कि ये मीटर जो है ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी गलती सुधार सकते हैं, मल्टीमीटर को वापस वोल्ट पे करके आप वो वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल और लैपटॉप के लिए ये मल्टीमीटर काफ़ी बढ़िया रहता है, लेकिन इस मल्टीमीटर से अगर आप एलईडी टीवी का, जैसे ये कॉम्बो बोर्ड है, इसकी पावर सप्लाई है, या कोई ऐसे सर्किट हैं जो हाई वोल्टेज से काम करते हैं, अगर इन सर्किट को रिपेयर करने में अगर आप इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक ही गलती के कारण ये मल्टीमीटर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो सर्किट है ना, अगर हम इन सर्किट को पावर देते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर पावर दे रहा हूँ, सर्किट को पावर दे दिया और मल्टीमीटर को फ़िलहाल मैंने DC वोल्टेज पे यहाँ पर सेट कर दिया है, और अब मैं आपको वोल्टेज चेक कराऊँगा। देखिए, तो मीटर में आप देख सकते हैं, मीटर में दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 328 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं पावर निकालूंगा तो अभी भी क्या है ना, वोल्टेज इस सर्किट में रहेगा, देखिए है। और अब मैं कोई कंपोनेंट मान लीजिए चेक करना चाह रहा हूँ कंटिन्यूटी पे रख के, ये कंटिन्यूटी सेट पे सेट करके अगर मैं कोई कंपोनेंट चेक करना चाह रहा हूँ, और ये जो सर्किट है, ये जो कैपेसिटर है, ये चार्ज है, और उस ट्रैक में क्या है, करंट अगर होगा, DC वोल्ट अगर होगा, तो ये मीटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए एक छोटी सी गलती के कारण बड़े सर्किट को रिपेयर करते हुए ये मीटर ख़राब हो जाता है, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप में क्योंकि हाई वोल्टेज नहीं होता है, तो अगर आपसे ये गलती होती है तो ये मल्टीमीटर ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप इस मल्टीमीटर से अगर आप इस टाइप के सर्किट को जो है रिपेयर करते हैं, LED TV रिपेयर कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा सर्किट रिपेयर कर रहे हैं जो कि हाई वोल्टेज से चलता है,
तो ये मल्टीमीटर जो है ना ख़राब नहीं होगा। अगर मान के चलिए इसे गलती से आपने मल्टीमीटर को कर दिया कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और उसके बाद आपने ये ही मान लीजिए इसी सर्किट को हम दोबारा आपको चेक करके बता देते हैं। मान के चलिए ये यहाँ पर ये हमने इसको पावर दे दी है और मीटर को कर दिया है कंटिन्यूटी पॉइंट पर, ठीक है। और पावर दे के अब पावर निकाल लिया, अब मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। पहले देखिए पावर को निकाल रखा है, उसके बाद भी जो है आपको वोल्टेज मिलेगा 300 वोल्टेज के करीब यहाँ पर है। कुछ सर्किट में ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा देर तक भी जो है चार्ज रहता है, यानी कैपेसिटर चार्ज रहते हैं। तो अगर मैं अब मीटर को कर देता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर, अब मुझे करना है कोई कंपोनेंट चेक, तो जैसे ही मैं अगर करता हूँ, मान के चलिए फ़िल्टर ही चेक कर रहा हूँ जबकि ये फ़िल्टर चार्ज है, और जैसे ही मैं चेक करूँगा तो देखिए मीटर में कोई वोल्टेज नहीं दिखाया। तो अब मैं वापस जब डीसी पे करूँगा तो देखिए ये बता देगा जितना भी वोल्टेज इसके अंदर है। ये मैं पावर दे देता हूँ, ये देखिए अब मैं इसकी पावर निकाल देता हूँ, मीटर को कर देता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और जैसे ही मैं चेक करूँगा वैसे ही देखिए मीटर ने कुछ नहीं दिखाया, देखिए। लेकिन मैं अब इसमें जो है हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मीटर ख़राब नहीं होगा, वोल्टेज प्रॉपर सही बताएगा, ठीक है। और जो इसकी कंटिन्यूटी है ये भी प्रॉपर काम करेगी। देखिए ठीक है। तो दोस्तों इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल आप मोबाइल, लैपटॉप, LCD, LED TV या और भी ऐसे सर्किट जो कि हाई वोल्टेज पे काम करते हैं उनको रिपेयर करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग रेंज आप ये वाला मल्टीमीटर जो है ले सकते हैं, और अगर आप सिर्फ मोबाइल का काम करते हैं या लैपटॉप का काम करते हैं तो आप ये वाला मल्टीमीटर भी ले सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप के लिए है, यानी ऐसे सर्किट के लिए है जो कम वोल्टेज पर चलते हैं। इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल आप LED TV रिपेयरिंग में भी कर सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना होगा कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के कोई भी वोल्टेज या ट्रेसिंग आपको नहीं करनी है, या करनी भी है तो पहले सर्किट का पूरा वोल्टेज डिस्चार्ज करें उसके बाद आप इस मीटर का इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है काम करते करते ना हमसे मिस्टेक हो ही जाती है जिस कारणवश ये मीटर ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप LED TV रिपेयरिंग करने में ना करें, और करें तो सावधानी से करें। लेकिन इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल आप LED TV रिपेयरिंग करने में बेफिक्र होकर करें, ये ख़राब नहीं होगा इतनी आसानी से, और मोबाइल में तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी जो है आपके काम आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं कोई भी मोबाइल या LED TV का तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो मल्टीमीटर को कैसे चलाना है तो इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर सिखाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, नमस्कार।